नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज लेवल 5 के पार्ट 4 में। चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं, वो है टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर्स की वंस पे कोई डिजिट होती है, लेफ्ट में चले तो टेंस पे, फिर हंड्रेड पे, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लाख और फिर 10 लाख, फिर करोड़। लेकिन हमने अभी तक टेंथ्स एंड हंड्रेड्स नहीं पढ़ा। अब ये टेंथ एंड हंड्रेड तो होता क्या है, इसको समझने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक स्केल का। ये देखिए स्केल, इसी का ही मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। इस तरफ दिया हुआ होता है आपको सेंटीमीटर, आगे देखिए लिखा भी हुआ है सेंटीमीटर। अब अगर कोई लाइन आपकी 0 से लेकर 3 तक है, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर की वो लाइन हो गई, जो कि मैंने यहाँ पर्पल कलर से बनाई हुई है। पर अगर वो लाइन थोड़ी सी ज्यादा हो और 4 से कम हो, यानी कि 3.3 यानी 3 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर पे हो। अब अगर आपको याद हो तो हमने लेवल 2 में थोड़ा सा देखा था कि सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। मिलीमीटर से किलोमीटर तक आने में हर स्टेप पे हम 10 से डिवाइड करते हैं, जबकि किलोमीटर से नीचे आने पे हम लोग हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो दूसरी लाइन थी ये क्या था, ये है वो आ रही है यहां तक, यहां तक, यानी कि 3 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ब्लू लाइन कहां तक है, 3 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आ रहा हूं तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3/10, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या होगा 3.3 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट के बाद जो आपकी डिजिट आई, इसको बोलते हैं हम टेंथ प्लेस। क्लियर है, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपके वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 होंगे और पॉइंट के राइट में आपके टेंथ, हंड्रेड, यानी कि 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा किसी भी चीज का होगा। ऐसे ही थाउजेंड भी होता है। इसको समझने के लिए एक ब्लॉक मान लेते हैं जिसमें कि 100 पीस हैं, ठीक। अगर मैं अब कोई भी एक पीस सेलेक्ट करता हूं इसमें से, तो क्या मतलब होगा इसका, 1/100, यानी कि 1/100 मतलब कि 100th piece ऑफ ब्लॉक। अगर मैं 10 पीस मान लूं पूरे, ये पूरे मान लूं मैं 10 पीस, तो ये हो गए 10/100 यानी 0.1 ऑफ द ब्लॉक। इसको मैंने सेम वही चीज डिवीजन के थ्रू समझाई हुई है, 10 को मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट लगने पे आ जाएगा एक जीरो और 1 लगने के साथ ही 100, नीचे एंड में जीरो, तो आंसर आ गया 0.1। थोड़ा सा और कुछ क्लियर करते हैं जो मैंने आपको मिलीमीटर से लेकर मीटर तक समझाया था। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ये होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर। अगर मेरे को कोई भी चीज सेंटीमीटर में दी हुई है और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको डिवाइड बाय 100 करूंगा, और अगर कोई चीज मीटर में दी हो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। ऐसे ही अगर कोई चीज मुझे मिलीमीटर में दी है, मुझे मीटर में उसे कन्वर्ट करना हो तो मैं उसे डिवाइड करूंगा 1000 से, और अगर कोई चीज मीटर में दी है और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। यही चीज मैंने आपको यहां पर हर स्टेप के लिए समझाई थी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 51 सेंटीमीटर, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 51/100 मीटर यानी 0.51 मीटर हो जाएगा। अगर यही जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल होता 5 मीटर 51 सेंटीमीटर, तो भाई 51 सेंटीमीटर का तो क्या हो गया 0.51,
तो 5 मीटर 51 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 प्लस 0.51 दैट विल बी 5.51 मीटर। एक खास बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद की किसी भी डिजिट को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं, जैसे 5.51, ना कि 5.51। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 5.51। अगर कोई नंबर है 199.709, हम कभी भी 199.709 नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे 199.709। चलिए मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर बहुत ही सिंपल है, एक बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, जैसे मैंने लिया है 795 मल्टीप्लाइड बाय 365, मैं अगर चाहूं तो 365 को लिख सकता हूं 300 प्लस 60 प्लस 5, यानी कि मैं 795 को इंडिविजुअली पहले 5 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 60 से और फिर 300 से, उन सबको आपस में जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर सेम आएगा। चलिए चेक करते हैं, 795 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 3975, 795 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज 47,700, 795 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज 2,38,500। अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, ऐड करने पे आया 2,90,175। जबकि मैं सब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3975, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो 47,700, फिर 300 से मल्टीप्लाई किया तो 238,500, आंसर आया 290175, जो कि सेम है। इसलिए आप 3 डिजिट नंबर के मल्टीप्लीकेशन कंबाइंड फॉर्म में भी कर सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न। चलिए समझते हैं स्पेशल पैटर्न के बारे में। फर्स्ट स्टेप पे लेता हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1, क्या आएगा? 0 9 0 प्लस 1 इज 1। 0 में मैंने एक डिजिट ऐड कर दी 1, और 9 की जगह 9, प्लस 1 में लास्ट वाले 1 में मैंने एक और 1 ऐड कर दिया, तो 1 9 0 9 प्लस 2 इज 11। अब इस पहले वाले 1 में मैंने एक डिजिट और ऐड कर दिया, यानी 12 कर दिया, और 9 की जगह 9 प्लस 2 की जगह प्लस 1 यानी कि 3, तो 12 9 0 108 प्लस 3 इज 111। जब आप इसको एस टाइप से आगे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी आपके यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे लास्ट में होगा उतने नंबर ऑफ वन्स आपको मिल जाएंगे। तो यानी 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 6 विल गिव यू 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वन्स। अब अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 9, ये कितने वन्स देने वाला है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।